अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। और ये हम खाने लगे थे गोलगप्पे, जो कि काफ़ी सारे गोलगप्पे मेरे देवर हैं वो लेकर आए थे, और ये चॉकलेट भी लेकर आए थे मेरे बेटे के लिए। और ये देखें, मैं जो खट्टा पानी है उसको निकाल रही थी एक बाउल में, और काफ़ी सारे गोलगप्पे भी वो लेकर आए थे और सौंठ भी लेकर आए थे, क्योंकि मुझे खट्टा पानी नहीं पिया जाता है मुझसे, तो इसलिए सौंठ भी अलग से वो काफ़ी सारी लेकर आए थे। और साथ में मैं चाय भी बनने के लिए रख रही थी, दूध गर्म करने के लिए रख रही थी पहले, तो फिर उसके बाद में चाय रखनी थी मुझे बनाने के लिए। बट सबसे पहले गोलगप्पे देख के सब्र नहीं हो रहा था, तो सबसे पहले मैंने गोलगप्पे खाए हैं। और ये देखिए, मैंने गोलगप्पे यहाँ पर करके रख लिए हैं बाउल में, और अपने हस्बैंड के लिए निकाल लेती हूँ पहले। फिर ऐसा होता है जब गोलगप्पे हम खाने लग जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है, और अपने हस्बैंड के लिए भी मैं निकाल कर रख देती हूँ एक साइड पर पहले। और पानी में मैंने डाले थे क्यूब, क्योंकि पानी बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, अजीब सा टेस्ट हो जाता है अगर थोड़े से उसमें क्यूब डाल दो तो, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने पानी में थोड़े से आइस क्यूब डाले थे, और अपने हस्बैंड के लिए है मैंने एक बाउल में पानी वगैरह बचा के रखा था, और थोड़े से पानी पूरी भी बचा के रखे थे। ये देखें, और इसको रख दिया था मैंने फ्रिज में, और अब हम खाने लगे थे गोलगप्पे। और ये देखें, जैसे कि मुझे सूजी वाले गोलगप्पे पसंद हैं, मुझे आटे वाले नहीं अच्छे लगते हैं, तो वो सूजी वाले ही लेकर आए थे हमारे लिए, और ख़ुद नहीं खा रहे थे, कह रहे थे कि मैंने खा लिए हैं, बट थोड़े एक दो ही उन्होंने खाए थे, और बाकी हमने गोलगप्पे काफ़ी इंजॉय किए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हैं जो मेरे देवर हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, उनको पता है कि मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, और हमद को भी, मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए वो गोलगप्पे लेकर आते हैं कभी जब आते हैं तो काफ़ी सारे, और पहले अपने भैया के लिए निकलवा कर रख देते हैं क्योंकि कभी ऐसा हो कि भैया के लिए नहीं बच पाए। और गोलगप्पे तो ऐसी चीज़ है कि लेडीज़ खा सकती हैं, काफ़ी सारे खा सकती हैं, और अब तो मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं, पता नहीं क्यों, और बहुत ही ज़्यादा वो शौक़ से खाता है गोलगप्पे। और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी चिली पटैटो, जो कि आज मन कर रहा था खाने का और मैं बना नहीं पा रही थी। शाम में मैंने अपने हस्बैंड से सामान भी मंगा के रखा था, कैप्सिकम वगैरह भी मंगा कर रखी थी, बट मैं बना नहीं पाई थी, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ चिली पटैटो। मेरे देवर भी आए हुए थे तो मैंने सोचा चिली पटैटो बना लेते हैं, सब साथ में इंजॉय करेंगे। और ये देखें, अभी मैंने आलू ले लिए हैं, उनको मैं करने लगी हूँ कट, इस शेप में मैंने कट किया है इनको, और मैंने अपने चैनल पे इसकी रेसिपी भी शेयर की है पहले, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और ये कुछ इस तरह से मैंने फ्राई किए थे, इसमें मैंने चावल का आटा अच्छे से लगा लिया था, और हल्के से मैंने आलू को बॉईल किए हैं, कच्चे भी रख सकते हैं, बट मैं हल्का सा बॉईल करती हूँ आलू को, 30% मैं इनको बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़े से फ्राई करने में गल जाते हैं, और फिर उसके बाद में जब हम सॉसेस के साथ उसको पकाते हैं तब फिर वो एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं, तो अच्छे से पक जाते हैं, कुक हो जाते हैं, कोई कच्चे नहीं रहते हैं आलू, और अगर आप चाहें तो कच्चे भी बना सकते हैं, वो भी आसानी से पक जाते हैं फ्राई करने के बाद, और उसको पकाते हैं जब सॉसेस के साथ। और कुछ आलू मैंने सिंपल फ्राई किए थे वाइट उसमें ही, और फिर उसके बाद मैंने डाला था फूड कलर ऑरेंज करने के लिए, ये देखें इतना प्यारा कलर आ जाता है फूड कलर डालने से, और ये मैंने डाला था ऑरेंज कलर, और फिर मैंने इस तरह से फ्राई किया था इनको, और एक साइड पर निकालती गई थी।
और साथ में मैं बना रही थी चाय और मैं नाश्ता रेडी कर रही थी यहाँ पर। ये देखें, इनको फ्राई भी करते जा रही थी और साथ में मैंने चाय भी बनाया था और नाश्ता यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। और साथ में दूसरा पैन भी मैंने रखा हुआ था गैस पर, ताकि जल्दी से मैं चिली पोटैटो भी बना लूँ साथ में। और मुझे वेजीज भी कट करनी थी, कैप्सिकम, ऑनियन, ये सब सारी वेजीज मैंने कट करके रख दी थी। और उसके बाद में मैंने उनको अच्छे से वॉश करके रख लिया था। और यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट फ्राई होने वाले हैं सारे, जो आलू थे वो सब फ्राई होने वाले हैं। और इसके बाद मैं इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करूँगी। और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ऐसी चीज़ों में, काफ़ी वक्त लगता है। और ये देखें, ये सभी फ्राई हो चुके हैं। और शॉर्ट में मैं इसकी आपको रेसिपी दे देती हूँ आज, क्विक वाली। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर स्लिट कट करके ग्रीन चिली ली हैं और थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल लिया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं फ्राई करने में ही काफ़ी सारा ऑयल उसमें जा चुका था, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ऑयल लिया है ताकि मैं ये सारी वेजीज को फ्राई कर सकूँ। तो मैंने कैप्सिकम और ऑनियन इसके अंदर डाल दिया है और कैप्सिकम को मैं थोड़ा छोटा छोटा करने लगी हूँ कट, क्योंकि मुझे थोड़ा मोटा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसको छोटा करके कट किया है। और इसको मैं करूँगी फ्राई अच्छे से ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और एक साइड पर मैंने सॉस बना के रखी थी शेजवान चटनी, और सॉस के साथ मैंने लहसुन बारीक बारीक कट करके रखा हुआ था एक साइड पर, वो सॉस बना के रखी थी। और यहाँ पर सफ़ेद तिल आप डाल सकते हैं, बट ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो डाल सकते हैं और नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ था कॉर्नफ्लोर, तो मैंने वो यहाँ पर ऐड किया है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें डालने के लिए, क्योंकि जो ग्रेवी होती है उसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पानी के साथ मैंने कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके डाला है। और यहाँ पर एक थिकनेस आ जाती है ग्रेवी में, ये देखें, काफ़ी अच्छी ग्रेवी हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको डालना, इससे काफ़ी अच्छा स्टार्च बन जाता है, ये देखें। और इसके साथ मैंने फिर इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी यहाँ पर डाला था, और मसालों के साथ मैं इसको पका रही थी ताकि अच्छा सा कलर आए मसालों में, सॉसेस में, सॉरी। और ये जो लहसुन है मैंने जो बारीक कट करके रखा था, और चटनी, और यहाँ पर थोड़ी सी शेजवान चटनी मैंने मिक्स किया है इन तीनों को और मैंने इसमें डाल दिया है। और मुझे शेजवान चटनी वैसे तो कम पसंद है, बट चिली पोटैटो में इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इसका फ्लेवर आता है। और ये देखें, ग्रेवी भी काफ़ी सारी यहाँ पर हो गई है, सारी सॉसेस मैंने डाल ली हैं। और अब मैंने जो फ्राई करके रखे थे आलू, इनको मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और ये देखें अच्छे से इनको मिक्स कर दिया है। और हल्का सा मैंने इसमें सॉल्ट डाला था, क्योंकि मैंने जब आलू को बॉईल किया था तब थोड़ा सा मैंने वहाँ पर नमक डाला था, बाकी मैंने सॉसेस के अंदर ही नमक काफ़ी होता है तो मैंने इसलिए नमक नहीं डाला है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक टेस्ट किया था तो मैंने यहाँ पर नमक मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ऐड किया था। और ये देखें, चिली पोटैटो एकदम बनकर रेडी हैं, और ये बाहर से भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और मुझे तो बाहर के भी नहीं पसंद है, अब जब से मैं घर में बनाने लगी हूँ काफ़ी दिन से, तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और घर पे बनाते हैं तो अपना अच्छे से बना सकते हैं, जितनी चाहे आप उतनी क्वांटिटी में बना सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट अच्छा रहता है बाहर के चिली पोटैटो से। मुझे तो काफ़ी पसंद है घर पे ही बनाना, और पिज़्ज़ा भी अब तो मैं घर पर ही बनाकर देती हूँ सबको, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। घर में जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और
और बाहर खाते हैं अगर आप तो टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हैं, और घर पर आप अच्छी तरह से पेट भर के भी खा सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में बनाने के बाद, और काफ़ी टेस्ट भी अच्छा रहता है और हेल्दी भी रहती हैं चीज़ें। घर पर हम बनाते हैं तो फ्रेश चीज़ों से, फ्रेश वेजीज से बनाते हैं। और यहाँ पर मैं कर रही थी सब्ज़ी कट शाम के लिए। और अगर आज की आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।